सेल्फिश है, किसी को कुछ समझाने जाता हूँ, समझने को कोई तैयार नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं कि तुम किसी की बात सुनती नहीं हो? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ना तुम्हारे दिमाग में है। दादाजी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। श्लोक भी बड़ा होके लॉयर बनना चाहता है। अच्छा है ना, लाइन से सब लॉयर, दादाजी, पोता, बेटा, परपोता। लेकिन इसके लिए दादाजी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती होगी ना। ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लंबे चौड़े एग्जाम्स देने पड़ते हैं। मानवी बेटा, पढ़ाई और लगन की हर फील्ड में जरूरत होती है, उसके बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ मानवी, तुमने कुछ तो सोचा होगा तुम आगे क्या करना चाहती हो। चाचू, मैं जब भी इस बारे में सोचने बैठती हूँ ना, मेरा दिमाग घूम जाता है। अब ये मोटी मोटी किताबें तो मैं पढ़ने से रही, कुछ ऐसा काम नजर में नहीं आता जिसमें पढ़ना लिखना ना पड़े। ओके, बेसिकली तुम्हें काम चोरी का बिजनेस करना, राइट? राइट। क्यों? तुम्हें असिस्टेंट चाहिए? अगर रखना होगा ना तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, ये लड़की जब से आई है ना, तब से बस सबको अपने में उलझा रखा है। वैसे मानवी, अगर तुम्हें बोलना इतना ही अच्छा लगता है तो लॉयर क्यों नहीं बन जाती? थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, पहले पहले बोरिंग लगेगा लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। मजा या सजा, आई एम सॉरी जीजू, ये पहाड़ मेरे से नहीं उठेगा। एक्चुअली मानवी, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, कंसीडरिंग तुम्हारी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। तुम लोगों को बड़े आसानी से कन्विंस कर लेती हो, चीजों को आसानी से बेच लेती हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मार्केटिंग एंड सेल्स तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? आई हाय चाचू, सेल्समैन की जॉब, आपने कभी देखा लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं? उनके मुंह पे दरवाजा मार देते हैं और लोगों को ऐसी चीजें खरीदने के लिए कन्विंस करो जिनकी उसे जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पकाऊ काम है, मैं नहीं कर सकती। मानवी बेटा, गणित कैसा है तुम्हारा? अकाउंट्स में कुछ करना चाहोगे? दादाजी, पैसे रुपए का हिसाब किताब, मैं घर में दूध वाले और धोबी वाले के हिसाब किताब कर लूं ना, बहुत बड़ी बात है। मेरी बीजी बहुत खुश हो जाती है दादाजी। और मैं भी, और वो भी उसके ऊपर से ऑफिस में बैठ के ये सब अकाउंट्स और मैथ। नहीं दादाजी, जो काम कैलकुलेटर कर सकते हैं वो मैं क्यों करूं? वैसे एक बात है मानवी, मैंने एक चीज देखी है, तुम एक नंबर ही कामचोर हो। बट मैं तुमसे एक बात सीखी है, आगे जाके मुझसे कोई पूछेगा ना कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे उससे क्या बोलना है। लेकिन मानवी, कोई भी इंसान बैठे बैठे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। बुआ जी, काम तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। ओह रियली? लेकिन हमने तो नहीं देखा तुम्हें कोई काम करते हुए। बुआ जी, आज की इस पूरी लाइफ में लोग इतनी फास्ट भाग रहे हैं ना कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। सब लोगों को बस काम, कामयाबी, पैसा, शोहरत, यही सब चाहिए, और इसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि इस चक्कर में सब अपने जिंदगी के छोटे छोटे खुशियां भूल जाते हैं। नोटों की हरियाली के पीछे अपने बाल सफेद कर बैठते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ, मैं इसका पूरा उल्टा ही करती हूँ। मैं कामयाबी और पैसे को छोड़ के जिंदगी के पीछे भागती हूँ।
लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को जीने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि कामयाबी पैसा शोहरत तो मिल सकती है लेकिन लाइफ तो पल पल कम होती जा रही है ना, इसलिए मैं लाइफ का एक एक पल निचोड़ के उसे जीना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से ये भी बड़ा काम है। क्या बात है, क्या क्या फिलोसफी थी। अरे तुम ठीक आप बैठो बैठो। विराट फोन उठा लो, इनकमिंग फ्री है। कान है मेरे, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ तो उठा लो ना फोन। देखो कट भी गया। एक बात बताओ ना, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? उधार उधार लिया हुआ है क्या किसी से? ये कोई लड़की तुम्हें तंग कर रही थी? अच्छा टॉपिक चेंज, मैं भूल गई थी कि लड़की का नाम सुनते ही तुम एंग्री यंग मैन बन जाते हो। फाइन, नो लड़की की बात इन फ्रंट ऑफ विराट। ओके कूल, हैप्पी। देखा हार गया मैं। मुझे क्या पता था कि लड़की का नाम सुनते ही तुम्हारी लाइफ ओवर हो जाती है। गेम की लाइफ ओवर हो जाती है गेम की। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सबकी लाइफ के पीछे क्यों पड़ी हो? यमराज हो क्या? आए हाय यार, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना खराब है, हंसी भी नहीं आई मुझे। पता मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब नहीं है, तुम्हारे ह्यूमर में कोई सेंस नहीं है, समझी? ये तुम्हारे बचपन की फोटोज है। मुझे जीवित को पिक्चर्स दिखानी है। मेरा लैपटॉप दो। नहीं लैपटॉप नहीं। विराट के कमरे में क्या कर रही हो मानवी? बुआ जी वो कुछ नहीं, मैं बस विराट के रूम में आई तो उसके लैपटॉप पे उसके बचपन के पिक्चर्स देख रही थी, तो इसको बुरा लग गया, इसने कहा मत देखो, और बस इसी उसमें मैं भागने लगी और ये मेरे पीछे पीछे। देखिए ना बुआ जी कैसे पेश आता है लड़की के साथ। ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ। अब ओके बुआ जी। क्या हुआ मानवी? पिन, तुम्हारे रूममेट पिन्स के अलावा लग गई मुझे। I'm very sorry, मैं एक मिनट फर्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ। एक सेकंड, वेट वेट वेट, होल्ड ऑन, जल्दी लाओ विराट। वेट 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 वेट, रिलैक्स 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 रिलैक्स, एक सेकंड Thank you.
सौंपोगे? जीते रहो, तुमने कन्याकुमारी के पैर को हाथ लगाया, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी होंगी। अच्छा अब ज्यादा बोलोगी ना, ये बैंडेड ना तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगा। विराट तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बुआ जी, मेरे पार्टनर ने मेरे को बैंडेड कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वंस अगेन। इट्स ओके, ज्यादा कूदना मत, रेस्ट कर। ओके ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ओके बुआ जी, बाय। ये क्या है विराट, तुम बच्चे थोड़े ना जो इस तरह तुम दोनों बच्चों की तरह खेल रहे थे। मानवी एक जवान लड़की है, उसके साथ इतना घुलना मिलना ठीक बात नहीं है विराट, उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो। बुआ ओके ओके ओके, इन सब बातों के लिए तुम्हारे पास इसलिए फुर्सत है क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फोकस नहीं कर रहे हो। तुम्हें कुछ करना भी है या नहीं, जो करना है जल्दी सोचो वरना पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी तुम्हारी, फिर बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि जो सोचना है अभी सोचो। बुआ प्लीज, अब आप फिर से मत शुरू हो जाओ, मैं आपको ना बहाने दे दे के भी थक चुका हूँ। प्लीज आई एम सॉरी।